निकाह हो चुका है ना हमारा, जैसे ये सेटल डाउन होगा तो मैं घर ले आऊंगा। हाँ तो करेगी बर्दाश्त तुम्हें, क्यों नहीं करेगी, इसे करना पड़ेगा। बिल्कुल तुम्हारी टर्म्स पे, जैसे तुम चाहोगी वैसे ही रहोगी यहाँ। वैसे भी तो मेरे दिल की रानी तुम हो। मैंने अपना सब कुछ ही कुर्बान कर दिया वहाँ, अपना दिल, अपनी जात, अपनी खुशियाँ, सेहत, यहाँ तक कि मैंने तो तुम्हें भी खो दिया है। मगर इस सारी जिद्दोजहद में मुझे क्या मिला? दर्द, अजियत, तजलील और अब उम्र भर की तन्हाई और तुम्हारी बेवफाई। अरे भाई किधर हो, इसके दूध का वक्त हो गया है शायद। ध्यान से, ध्यान से। अरे सर वैसे बहाज, क्या वो तमन्ना निकली नहीं कमरे से? तुम जाओ मेरे शहजादे को तो लेकर आओ। जी वो तो बहू बेगम को तो मैंने सुबह से कमरे से निकलते नहीं देखा और बच्चियों को भी नहीं देखा। क्या करते हैं ये, मैं देखती हूँ। तमन्ना भी किधर है मेरा शहजादा? तमन्ना, तमन्ना बहाज उठो, तमन्ना कहाँ है, कहाँ है मेरा पोता? यही कहीं होंगे और कहाँ होंगे? अरे नहीं है ना, पूरे घर में कहीं नहीं है। और शरीफा कह रही थी कि वो सुबह से कमरे से नहीं निकली, कमरे में भी नहीं है, तो किधर चली गई? ये क्या है? अरे क्या है मुझे दिखाओ। अरे क्या लिखा है ये, उसका खत है क्या? क्या कह रही है दिखाओ मुझे। मैं अब मजीद अपनी तस्लील नहीं होने दूंगी। एक तालीम याफ्ता माँ अपनी बेटियों को जमाने की फरसूदा रस्मों की भीड़ चढ़ाने के बजाय उनकी परवरिश बेटों से बढ़कर करूंगी, ताकि वो ना सिर्फ अपने हक के लिए लड़ें बल्कि सर उठाकर दुनिया को फतह भी कर सके। अरे मेरा पोता, मेरा पोता ले गई वो, आज अब हम क्या करेंगे, वो मेरा पोता ले गई। अरे मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी, अभी तो मैंने जी भर के उसे देखा भी नहीं था। अरे आज इतनी मन्नतों के बाद, इतनी मुरादों के बाद मेरा पोता पैदा होता, अरे मेरा पोता, सब तुम्हारा कसूर है। निकाह हो चुका है ना हमारा, जैसे ये सेटल डाउन होगा तो मैं घर ले आऊंगा। हाँ तो करेगी बर्दाश्त तुम्हें, क्यों नहीं करेगी? बिल्कुल